हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, आ गया है जन्माष्टमी का त्यौहार, आने वाला है। और किस दिन व्रत रखा जाएगा, जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी, रोहिणी नक्षत्र किस दिन है, व्रत किस दिन रखें, इसके साथ साथ ही जन्माष्टमी की पूजा, कृष्ण भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, आपको इस बात की जानकारी इस वीडियो में दी गई है। आ जाइए, जान लेते हैं सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण का आधी रात को जन्म हुआ था, उस समय रोहिणी नक्षत्र था, इसीलिए जन्माष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का भी विचार किया जाता है। इस साल भी रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के चक्कर में जन्माष्टमी की तारीख पर कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं गृहस्थों के लिए इस दिन जन्माष्टमी का पर्व किस दिन मनाना शुभ रहेगा, गृहस्थों के लिए जो लोग हैं, और किस दिन उनको व्रत रखना होगा। सबसे पहले जानते हैं अष्टमी तिथि के बारे में कि कब से कब तक रहेगी अष्टमी तिथि। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से प्रारंभ होगी, ठीक है, 6 सितंबर को शुरू होगी और 7 सितंबर को शाम 4:14 पर समाप्त होगी। कहने का मतलब है जो उदया तिथि है वो 7 सितंबर को मिल रही है अष्टमी की, 6 तारीख को अष्टमी तिथि शुरू होगी दोपहर 3 बजे और 7 तारीख को 4 बजे शाम को ख़त्म हो जाएगी। उदया तिथि में 7 तारीख को बन रहा है। और ये भी लेकिन जान लेते हैं अष्टमी तिथि के साथ साथ कि रोहिणी नक्षत्र किस दिन मिल रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र जो है वो 6 सितंबर को सुबह 9:20 से प्रारंभ हो जाएगा और 7 सितंबर को सुबह 10:25 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र जो है वो 6 तारीख को हमको मिल रहा है और 7 तारीख को नहीं मिलेगा। तो इसलिए गृहस्थ कब मनाना चाहिए गृहस्थों को, तो गृहस्थ जीवन वालों को 6 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तब उस समय अष्टमी तिथि भी रहेगी और रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र व रात्रि पूजन का भी शुभ मुहूर्त बन रहा है। बाल गोपाल का जन्म मध्यरात्रि को हुआ था, इसीलिए इस साल 6 सितंबर को मथुरा में भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, क्योंकि उसी दिन जो है अष्टमी तिथि और साथ साथ आपका रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है, क्योंकि 7 को अष्टमी तिथि तो मिल रही है लेकिन रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रहा। और जब भगवान का जन्म हुआ था उस समय 6 तारीख को ये दोनों मुहूर्त मिल रहे हैं, 6 तारीख की रात को, ठीक है। तो ये हो गया रोहिणी नक्षत्र की बात और अष्टमी तिथि की बात। अब आ जाते हैं पूजा का मुहूर्त क्या है। 6 तारीख को आप व्रत तो रख लेंगे लेकिन पूजा का मुहूर्त क्या है रखना है आपको, तो श्री कृष्ण भगवान की पूजा का जो समय है वो 6 सितंबर को रात्रि 11:57 से प्रातः 12:42 तक, रात्र में ही 7:57 से 12:42 तक आपके पास पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। कुल मिलाकर आपको 46 मिनट की पूजा की अवधि मिलेगी। मध्यरात्रि का क्षण प्रातः 12:02 रहेगा। तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 6 सितंबर की रात 11:57 से 12:42 तक, यानी कि 46 मिनट का पूजा का मुहूर्त आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा का मिलेगा। ये रात्रि पूजा का मुहूर्त है। पारण का समय क्या है व्रत का पारण, तो 7 दिसंबर शाम सुबह 6:02 के बाद, आप अगर धर्मशास्त्र के अनुसार आप पारण करते हैं तो 7 सितंबर को सुबह 6 बजे के बाद आप कर सकते हैं। 7 तारीख को 6 को व्रत रख रहे हैं और आजकल के हिसाब से जैसे लोग जो पारण करते हैं तो 7 सितंबर की प्रातः 12:00 कान्हा की पूजा के बाद, अर्थात कि आपको अगर आप व्रत रहें 6 तारीख को तो आपको पारण सुबह अगले दिन की सुबह करना चाहिए 7 तारीख को। कई लोग इसी तरह से, ज़्यादातर लोग रखते हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं रात्रि को 12 बजे भगवान की पूजा की जन्म के बाद 12:42 तक, उसके बाद व्रत का पारण कर देते हैं, व्रत वहीं पर समाप्त कर देते हैं। तो जैसा आपके यहाँ होता हो वैसे वे दूसरे दिन पारण करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। पारण का मुहूर्त आपको बता ही दिया है। अब आ जाते हैं, जान लेते हैं भगवान कृष्ण की पूजा विधि क्या है, कृष्ण भगवान की पूजा कैसे करें। तो क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में साफ सफाई करें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करें, झूले में बैठाएं, लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं, अपनी इच्छा अनुसार लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र की तरह करें। इस दिन रात्रि पूजा का महत्व होता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात में हुआ था,
इसलिए रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करें। लड्डू गोपाल को मिश्री और मेवा का भोग भी लगाएं, साथ ही भगवान की अंत में आरती करें। इस दिन अधिक से अधिक लड्डू गोपाल का ध्यान रखें और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने की कोशिश करें। अब मान लीजिए आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, तो आपके पास भगवान कृष्ण की जो भी फोटो प्रतिमा मूर्ति है आपको उसी की पूजा करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आप उस दिन पूजा ही नहीं करेंगे। जो भी आपके पास भगवान कृष्ण की फ़ोटो है आपको उन्हीं की पूजा करनी है, सुबह भी करनी है, उसके बाद मध्यरात्रि में भी करनी है। दोस्तों, ये है कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का मुहूर्त क्या है, इसके साथ साथ किस दिन व्रत रखना है गृहस्थों को, रोहिणी नक्षत्र कब मिलेगा, साथ ही पूजा कैसे करनी है, पूजा विधि के बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश की गई है। आपको मुहूर्त संबंधित और व्रत किस दिन रखना है जन्माष्टमी का, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। भगवान कृष्ण अपनी कृपा आप पर सदैव बनाए रखें, पूरा परिवार में घर में सुख समृद्धि बनाए रखें।